आपको मालूम है गजलों की शुरुआत गजल लिखने वालों के अपने चाहने वालों को लिखी हुई कविताओं से हुई थी। वैसे तो गजलों की शुरुआत 7वीं शताब्दी में अरबी कविताओं से हुई थी जो 12वीं शताब्दी होते होते पूरे साउथ एशिया में फैल गई। रखिए एक ना एक शम्मा
दोस्तों, क्या आपको मालूम है गजल की पहली शेर को मतला और आखिरी को मक्ता कहते हैं, और इस मक्ता में शायर अपना नाम भी शामिल करता है। इस बार आप जब भी कोई गजल सुने तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों,
क्या आपको मालूम है गजल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब मीठी मीठी बातें करना, फ्लर्ट करना या फिर कामुक इशारे करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एल्बम पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे।
करार था तुम्हें याद हो के ना याद हो वही आनी बा है सा तुम्हें आपको मालूम है गजल के हर एक शेर की पहली लाइन को रदीफ और दूसरी को काफिया कहते हैं। किस रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी, किस रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूं अभी। दिला दूँ
कि मैं जिंदा हूँ अभी। आपको मालूम है एक गजल में जहां हर एक शेर अपने आप में एक मैसेज रखता है और उनका आपस में जुड़ा होना जरूरी नहीं, वहीं नज्म शुरू से आखिरी तक किसी एक विषय पर लिखी जाती है। ये किस का तसव्वुर है, ये किस फसाना है जो अश्क है आँखों में, तस्बीह का दाना है ये किस का तसव्वुर।
अपना जमाना है, ये किसका तसव्वुर Thank you.
दोस्तों एक गजल में तकरीबन 5 से 15 दो लाइनों के शेर होते हैं जो अपने आप में अलग होते हुए भी एक गजल का रूप ले लेते हैं। ऐसी ही और भी बहुत सी सुपरहिट गजलें और उनसे जुड़ी हुई जानकारियां सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल म्यूजिक फॉर सोल को जरूर सब्सक्राइब करें।